सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इलेक्शन कमीशन का अमन कमेटियां कायम करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। इस खबर की तफसीलात से कबल हर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और पुरअमन इनेकाद के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर राबता व अमन कमेटियाँ तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राबता अमन कमेटियाँ पोलिंग स्टेशन पर आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के अलावा इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की पाबंद होंगी। तमाम डिप्टी कमिश्नर अपने अपने इजला में हर पोलिंग स्टेशन की सतह पर राबता अमन कमेटी दो आयाम के अंदर तश्कील देंगे। ये कमेटियाँ मुकामी सतह पर इलाका के मोतबर अफराद पर मुश्तमिल होंगी जो पोलिंग के दौरान अमन व अमान को यकीनी बनाएगी। कमेटी मेम्बरान की तादाद 5 से 7 अफराद पर मुश्तमिल होगी जिनका इंतखाब मजिस्ट्रेट साहिबान मुअज्जज़ीन इलाका से अमल में लाएंगे। राबता व अमन कमेटियाँ पोलिंग स्टेशन पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतखाबी अमला की मावनत के अलावा पोलिंग स्टेशन पर हर मुमकिन हिफाजती इकदामात और पुरअमन अमन आमा बरकरार रखने की जिम्मेदार होंगी। पोलिंग स्टेशन पर किसी भी गैर आइनी इकदाम की सूरत में कमेटियाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िला इंतजामिया के साथ तावन करने की जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलारिया की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के हवाले से कमिश्नर साहिबान का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन हर सूरत पोलिंग होना लाजमी, राजा मोहम्मद फारूक नियाज, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद गजनफर खान और कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन महसूदुर रहमान ने शिरकत की, जबकि कमिश्नर पुंछ डिवीजन अंसर याकूब और कमिश्नर मीरपुर डिवीजन शौकत अली बाजरिया वीडियो लिंक इजलास में शरीक हुए। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात का जायज़ा लिया गया और कमिश्नर साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की गईं। तीनों डिवीजन के कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन को पोलिंग के दौरान अमन व अमान के इंतजाम और कोऑर्डिनेशन एंड पीस कमेटियों के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इंतजामिया 27 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक तैयार है। कोऑर्डिनेशन एंड पीस कमेटियों के हवाले से इंतजामिया की जानिब से पेश की इकदाम उठाए गए हैं और इस सिलसिला में तमाम पोलिंग स्टेशन के हवाले से मुकामी इंतजामिया ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास से खताब करते हुए कहा कि 27 नवंबर को हर सूरत पोलिंग होना है। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की फ्रामी की यकीन दहानी करवाई गई है। इस सिलसिला में दस्तियाब सिक्योरिटी फोर्सेस को मद्देनज़र रखकर प्लान तश्कील दिया जाए। डिविजनल कमिश्नर इस सिलसिला में 21 नवंबर को होने वाले इजलास से कबल अपनी सिफारशात पेश करें। उन्होंने हदायत की कि इंतजामिया पोलिंग के अमल पेश नज़र मुमकिन किसी भी इशू को हल करने के लिए पेश की मनसूबाबंदी करे। सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने इजलास से ख़ताब करते हुए तीनों डिवीजन के कमिश्नर की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहते हुए कहा कि इंतखाबात को पुरअमन इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम मतलूबा वसाइल फराहम कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के लिए तमाम इंतजामात भी मुकम्मल हैं। उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहिबान इस सिलसिला में इंतजामात और सिफारशात सोमवार के इजलास से कबल कमीशन को पेश करें ताकि सोमवार को होने वाले इजलास में इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके।